डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास नाइन्थ के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए साइंस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट साइंस। तो नाइन्थ क्लास के लिए जहाँ तक बात है साइंस में, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था मोशन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? मोशन। और इस मोशन वाले चैप्टर में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े थे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जिसका पहला का नाम है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा का जो नाम है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको तीनों में आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन, टी इज़ टाइम, एंड एस फॉर डिस्टेंस, राइट। तो इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को हमें कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, या यूँ बोले तो न्यूमेरिकल्स में, चलिए हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर हम इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, और फिर आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी देंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड्स का स्पेलिंग ए डबल टी अटेंड्स अटेंड्स ए वेलोसिटी ऑफ अटेंड्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 ऐसे 72 किलोमीटर पर आवर इन इन 5 मिनट, इन 5 मिनट फुल स्टॉप, एज्यूमिंग ए डबल एस यू एम आई एन जी, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन फाइंड। अब पहला क्वेश्चन लिखना है और फिर दूसरा क्वेश्चन, फाइंड पहला क्वेश्चन लिखिएगा द एक्सेलरेशन, दूसरा लिखेगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ज़रा अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िए, क्या है सवाल बोल रहे हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक जो ट्रेन है, एक ट्रेन जो है वो चलना शुरू करती है कहाँ से? रेस्ट से। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना या फिर मोशन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेन, बस, मैन, साइकिल अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी बोले तो u, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेन, बस अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, रेस्ट का मतलब वो स्टार्टिंग हो ही रहा है, मैंने स्टार्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट। तो जब भी रेस्ट से स्टार्ट होता है
तब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको जीरो माना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी सवाल ये बोले कि इनिशियल वेलो सॉरी वो उसका मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तब आपको समझना चाहिए कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है। तो पता है ना, इस क्वेश्चन में आप ये लिखिएगा सॉल्यूशन करते वक्त कि गिवन गिवन सवाल क्या बोला कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, और यू कितना 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे क्या क्या दिया हुआ है फिर सवाल पढ़िए। तो लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट का मतलब बिल्कुल जीरो से चलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो चलते चलते टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। आप देखिए क्वेश्चन जो लिखे हैं, 5 मिनट टाइम में वो अपना स्पीड को अटेंड्स कर लेता है, अटेंड्स का मतलब बढ़ा लेता है, बढ़ा कर कितना कर लेता है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब स्टार्टिंग वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फिर अपना वेलोसिटी को बढ़ा लेता है, जब अपना वेलोसिटी को बढ़ाता है इट मीन्स क्या फाइनल वेलोसिटी ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है, फाइनल वेलोसिटी कितना, और फाइनल वेलोसिटी को तो हम लोग वी से सूचित करते हैं, और वो दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, यानी कि 72, 5/18, 18 चौ 72, तो 5 चौ का 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग पहले ही सीखे हैं कि अगर कभी भी यूनिट किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में। उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर किलोमीटर पर आवर रहता है तो उसको 5/18 यानी कि 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमें सवाल में यू का वैल्यू दिया है 0, वी का वैल्यू दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग चेंज कर लिए 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम में भाई, तो टाइम दिया है हमें 5 मिनट, और हम लोग जानते हैं कि टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो यहाँ पर टाइम हमें किस में दिया है, मिनट में दिया है, तो इसलिए हम इस मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। तो 1 मिनट में जानते हैं ना 60 सेकेंड होता है, तो 5 से इसको 60 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है। अब टाइम हमें पता चल गया। चलिए अब ये तीन चीज़ हमें गिवन है, ये तीन चीज़ें गिवन है, अब हमें क्या करना है, अब एक क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन को तो हम लोग को ये पहला क्वेश्चन में ये निकालना है, और हम लोग जानते हैं ना फार्मूला से, ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या, वी माइनस यू अपॉन में टी। वी का वैल्यू कितना है जरा अच्छा से देखिए, 20, तो यहाँ रख दीजिए 20, माइनस यू कितना है 0, डिवाइडेड बाई टी कितना है 300, तो यहाँ हो जाएगा 20/300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/13 30, तो 1/15 यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें पहला का आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना है, वह डिस्टेंस निकालना है जो ट्रेन द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है, ट्रेन द्वारा ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब आप ये सोचिए कि हमें एस का वैल्यू निकालना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सा है जरा बगल बगल में लिख के दिखाते हैं, नहीं तो आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास इतना सारा है। अब आप इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि एस निकल जाएगा, एस मतलब डिस्टेंस। तो देख पा रहे होंगे दो ऐसा फार्मूला है जिसमें एस यूज किया हुआ है, एक नीचे वाला एक सेकेंड वाला। ये भी आप
एफ का वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब यू का वैल्यू दिया रहे, टी का वैल्यू दिया रहे, ए का वैल्यू दिया रहे, तो आप उस फार्मूले से भी एस निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम लोग काम करते चलेंगे। तो अगर नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं, कब, जब ए का वैल्यू दिया रहे, वी का वैल्यू दिया रहे, यू का वैल्यू दिया रहे। तो अभी जो हम लोग को पता है किसका किसका वैल्यू पता है, तो यू का वैल्यू पता है 0, वी का वैल्यू पता है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम का वैल्यू पता है 300 और ए का वैल्यू है 1/15। तो हमको इतना सारा चीज़ पता है, तो हम लोग किसी से भी हम लोग चल के निकाल सकते हैं उसका जो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें सभी तरह की वैल्यू पता है। जब सभी तरह की वैल्यू पता है तो आप कोई सा भी फार्मूला लगा देंगे, हम यूज कर लेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है, 0 × 300 प्लस 1/2 × ए, ए का वैल्यू अभी निकाले ना 1/15, और इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब 300 का स्क्वायर। तो ये तो 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2 × 1/15 × 300 × 300। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 से ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और ये 2 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। यानी कि टोटल 300 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 3000 मीटर, और इस मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे इट मीन्स कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई वैल्यू है मीटर में, अगर उसको किलोमीटर में चेंज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 3000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। चलिए अगले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको पहले क्वेश्चन में लिख लिया जाए क्वेश्चंस के तौर पे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और हमें कैसे उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से एक अगेन क्वेश्चन लिखा जाए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लिखिएगा। लिखा जाए एकार एक्सेलरेशन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स का स्पेलिंग एक्सेलरेट्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली रोम ROM रोम रोम 18 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड कैलकुलेट इन 5 सेकेंड कैलकुलेट कैलकुलेट के नीचे 2 क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन क्या क्या है जरा देखिए। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, एक रोम है जो जिसका जो एक्सेलरेट्स कर रहा है उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो स्पीड है रोम का वो 18 किलोमीटर पर आवर से कहाँ हो जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो पहला में लिखिए द एक्सेलरेशन, पहला में द एक्सेलरेशन, दूसरा दूसरा में लिखेंगे द डिस्टेंस, दूसरा में द डिस्टेंस, हो गया ना। क्वेश्चन को अब समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सवाल क्या लिखा बोल रहा है कि एक रोम है जिसका स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सॉल्यूशन करते समय लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि उसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा था जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं,
इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका वैल्यू दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए पता है ना क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 × 5/18, तो यहाँ हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से सवाल में फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, क्योंकि एक रूम का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितना दिया है, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं और वी का वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे, 18 से 2 बार में कटेगा तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है यू और फाइनल वेलोसिटी वी दिया है, उसके साथ साथ हमें टाइम भी दिया हुआ है कि टाइम कितना भाई, तो टाइम हमें दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अगर पहला कर बात करें, पहला सवाल क्या बोल रहे हैं, पहला नंबर 1 एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पूछा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए बराबर क्या फार्मूला है, वी माइनस यू बटा में टी। तो यहाँ वी का वैल्यू कितना है, निकाल चुके हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 10 माइनस यू का वैल्यू कितना है 5, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 10 में से 5 गया तो 5, और टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका 1 आएगा आंसर। लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या करेंगे, चूँकि एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा था, इसी का सेकेंड नंबर अगर बात करें, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा था, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस मतलब एस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस मतलब एस निकालो, हमें एस निकालना है, तो एस का कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, तो आप कौन सा, कोई सा भी फार्मूला यूज कर लीजिए। एस बराबर फार्मूला होता है UT+ ½ AT² अब यू का वैल्यू कितना, तो यू इनिशियल है ना, तो यू इनिशियल है तो 5, और टोटल टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 सेकेंड। ठीक है, प्लस हाफ ए, ए का वैल्यू कितना, तो एक्सेलरेशन कितना आता है, हम लोग का 1 आया है ना पहला सवाल में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 1 रख दिया, और कितना टाइम, तो 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो टोटल 5 5 जे कितना 25, प्लस 1/2 × 25। ठीक है, तो यहाँ पे 25 प्लस इससे हम लोग कट कर देंगे 12.5, तो यहाँ पे 12.5 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाता है 37.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को ऐसे ही सवाल करके बनाना पड़ेगा चीज़ों को, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उससे पढ़ने के बाद आपको किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है और कौन सा मोशन का इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, ये आपको खुद से भी सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम उसके बाद क्या करते हैं, एक आपको होमवर्क्स के तौर पे एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तभी तो सीख पाएंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन लिखिए, हम कुछ हिंट्स भी कर देंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन फुल स्टॉप। इफ द कार टेक्स
टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कॉमा कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ डिस्टेंस इफ नहीं इट इट सॉरी डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम देखिए सवाल को पढ़िए तो क्या बोल रहा है कि एक कार पे ब्रेक अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक अप्लाइड किया जाता है आप समझो कि फाइनल वेलोसिटी वी का वैल्यू कितना हो गया, 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब जब उतना होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है किस में, माइनस में, यानी कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किस में, तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है कितना होता है, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है कि द कार स्टॉप टेक्स, यानी कि उसको रुकने में कितना मिनट का टाइम लगता है, 2 सेकंड का, यानी टू टी का वैल्यू दिया है 2 सेकंड, ठीक है। इतना चीज़ वैल्यू दिया है और फिर हमें बोल रहा है कि आप क्या निकालो, तो आप एस निकालो, ठीक है। आपको क्या करना है कि वी का वैल्यू दिया है 0, ए का वैल्यू माइनस में दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड, एस का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, जबकि हमें और यू भी नहीं दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हम हिंट्स के तौर पे बता रहे हैं, आप सबसे पहले वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करके आप पहले यू निकाल लीजिएगा, और यू जब निकल जाएगा क्योंकि वी भी दिया हुआ है, ए भी दिया है, टी भी दिया है, तो वी ए टी दिया है, तो आप यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और यू का वैल्यू निकालने के बाद फिर आप एस का फार्मूला लगा दीजिएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप सबसे पहले वी बराबर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से सॉल्व कीजिए, और इस वैल्यू को चलते चलते आप यहाँ से यू निकालिए, और यू निकालने के बाद एस का फार्मूला